एक कंपनी के मालिक का सुबह सुबह अपनी बीवी से झगड़ा हो जाता है और वो झगड़ा उस बीवी के कुत्ते की वजह से होता है। आदमी बीवी को कुछ बोल नहीं पाता है, वैसे तो कोई भी नहीं बोल पाता है। वो आदमी गुस्से में ही घर से निकलकर अपने ऑफिस में आ जाता है। अब वो आदमी अपने ऑफिस में पहुंच गया है और ऑफिस में पहुंचकर वो देखता है कि उसकी सेक्रेटरी ने उसके आज के शेड्यूल की डायरी को अपडेट नहीं किया है। ये देखकर वो आदमी बहुत गुस्से में आ जाता है और अपनी बीवी का सारा गुस्सा उस बेचारी सेक्रेटरी पर उतार देता है। अब वो सेक्रेटरी भी बहुत गुस्से में है। वो गुस्से से कैबिन से बाहर आ जाती है। उस आदमी को वो क्या बोले, वो तो उसका बॉस है। और वो गुस्से में बाहर आती है और वो अपना गुस्सा किसी कारण सारे का सारा गुस्सा ऑफिस के मैनेजर पर उतार देती है। अब मैनेजर भी गुस्से में आ गया, लेकिन वो बॉस की सेक्रेटरी को कुछ नहीं कह सकता है। मैनेजर गुस्से में ही रिसेप्शनिस्ट को फोन करता है। रिसेप्शनिस्ट किसी कारण दूसरी कॉल पर होती है और वो मैनेजर का फोन नहीं उठाती है। इससे मैनेजर और गुस्से में आ जाता है और सेक्रेटरी का सारा गुस्सा उस बेचारी रिसेप्शनिस्ट पर निकाल देता है। अब वो रिसेप्शनिस्ट भी गुस्से में है। सुबह से शाम भी हो चुकी है। रिसेप्शनिस्ट जब घर जाने के लिए लिफ्ट के पास जाती है, लिफ्ट खोलती है तो देखती है कि लिफ्ट के अंदर लिफ्ट का गार्ड नहीं है। वो खुद लिफ्ट को ऑपरेट करके नीचे आ जाती है। नीचे जब लिफ्ट खुलती है, वो बाहर निकलती है तो सामने से गार्ड आ रहा होता है। गार्ड उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो तो बॉस का सामान गाड़ी तक पहुंचाने गया था, लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट नहीं सुनती है और दिन भर का सारा गुस्सा उस बेचारे गार्ड पर उतार देती है। छुट्टी हो जाने के बाद वो गार्ड भी घर को वापस आ गया है। उस गार्ड की बीवी जो खुद कहीं पर काम करती है, वो भी काम से लौट आई है। उसने खाना बनाया है, लेकिन वो खुद काम करके थक चुकी थी तो वो नमक डालना भूल जाती है। गार्ड जो पहले से ही रिसेप्शनिस्ट के गुस्से में था, वो अपना सारा गुस्सा अपनी बीवी पर निकाल देता है और वो बीवी अपने पति को कुछ नहीं बोल पाती है। थोड़ी देर में ही उस गार्ड और उस औरत का बच्चा बाहर से खेल कर आता है। आज बच्चा थोड़ा ज्यादा खेल लिया और उसके कपड़े गंदे हो गए, तो बीवी ने अपने पति का सारा गुस्सा अपने बच्चे पर उतार दिया कि तू खेलने गया था कि कपड़े गंदे करने गया था। अब वो बच्चा भी गुस्से में आ गया है। वो बच्चा देखता है कि उसका पालतू कुत्ता उसकी गेंद के साथ खेल रहा है, तो वो बच्चा उस कुत्ते के पास जाता है। वो कुत्ते को लात मारता है और वो कुत्ता गेंद की ही तरह उड़ता हुआ बाहर जाकर गिर जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर उस कंपनी का वो आदमी, वो मालिक खुद गार्ड के घर में आकर गार्ड के कुत्ते को लात मार देता तो इतने लोगों का मूड खराब ना होता, इतने लोग गुस्से में नहीं आते। सो अपने गुस्से को काबू में रखें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, किसी के कुत्ते को लात ना मारें। अगली बार जब भी आपको गुस्सा आए तो ध्यान रखें कि कहीं आप किसी के कुत्ते को लात तो नहीं मार रहे, भले गलती आपकी बीवी की हो।